नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरा चैनल आरजी इनोवेशंस में। प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल बटन टू गेट ऑल द अपडेट्स। दोस्तों आज हम लोग बनाना सीखेंगे एक म्यूजिकल कॉलिंग बेल, और इसके लिए हमें चाहिए एक आईसी जो होता है UM66। यह इसका मेन कंपोनेंट होता है, और इसके साथ हमको चाहिए एक BC548 ट्रांजिस्टर और एक 220 ohms रेजिस्टेंस, कुछ वायर्स, एक स्पीकर। पुश स्विच, एक डबल ए बैटरी होल्डर, दो बैटरी, बस इतना सारी चीज चाहिए एक म्यूजिकल बेल हमको बनाने के लिए। तो अभी हम लोग देखेंगे इसको कैसे बनाते हैं। इसमें सबसे वाइटल चीज जो होता है वो है एक UM66 आईसी, म्यूजिकल आईसी। ये दिखने में बिल्कुल ही ट्रांजिस्टर जैसे होते हैं, लेकिन ये असल में एक म्यूजिकल आईसी है। इसके तीन लेग्स होते हैं, और अगर इसको हम ऐसे पकड़े तो एकदम राइट साइड से होता है पिन 1 जो कि है आउटपुट। सेंटर वाला पिन होता है VCC यानी इसमें पॉजिटिव सप्लाई, और एकदम लेफ्ट में होता है ग्राउंड। ये 1.5 वोल्ट से 4.5 वोल्ट तक काम करता है, लेकिन हम इसको 3 वोल्ट से अभी काम चलाएंगे। दूसरा जो हमको चाहिए वो होता है एक BC548 ट्रांजिस्टर जो कि यहाँ पे एम्पलीफायर के काम करता है। ये UM66 IC जो साउंड आता है इसको एम्पलीफाई करने का ये काम आता है। ये ट्रांजिस्टर के एकदम लेफ्ट साइड में होता है कलेक्टर पिन, बीच में होता है बेस, और राइट में होता है एमिटर। एक चाहिए हमको 220 ohms रेजिस्टेंस, एक स्पीकर जो हम पहले देखे थे। ये है दोस्तों इसका सर्किट, बहुत ही सिंपल है। UM66 के पिन नंबर 2 से पॉजिटिव सप्लाई स्पीकर तक जाता है, तो अकॉर्डिंगली सर्किट हम लोग यहाँ पे सोल्डरिंग करेंगे। एक वायर हम लोग जो पॉजिटिव वायर है वो स्पीकर में, और UM66 के पिन नंबर 2 यानी VCC पिन में सोल्डर करेंगे। फिर 220 ohms जो रेजिस्टेंस है इसको हम UM66 के आउटपुट पिन यानी पिन नंबर 1 में सोल्डरिंग करेंगे। और दूसरा साइड ट्रांजिस्टर के बेस में सोल्डर करेंगे। यह हो गया। और अभी नेगेटिव सप्लाई के लिए BC548 के जो एमिटर पिन होता है उसको हम लोग UM66 के ग्राउंड पिन जो होता है इसका एकदम लेफ्ट में, ये दोनों को जोड़ेंगे। और इसको हम बैटरी होल्डर के जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके साथ जोड़ देंगे। और एक छोटा सा वायर का टुकड़ा हम लेंगे, इसको 548 ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन से लेके स्पीकर में कनेक्ट करेंगे। और अभी स्विच का कनेक्शन करना है, तो यहाँ पे हमने पुश स्विच लिया है, और ये जो ट्विन वायर है इसकी एक साइड हम स्विच से कनेक्ट करेंगे।
और इसका दूसरा साइड जो है इसको हम बैटरी होल्डर के पॉजिटिव पिन में कनेक्ट करेंगे और सर्किट के UM66IC के VCC पिन में जोड़ देंगे, ताकि जैसे ही हम इस पुश बटन को प्रेस करें सर्किट ऑन हो जाए और ये म्यूजिक बजने लगे। तो ये हो गया कंप्लीट हमारा सर्किट, अभी बैटरी लगा के हम इसको टेस्ट करेंगे। साउंड नहीं आ रहा है, लगता है स्पीकर का कुछ प्रॉब्लम है, तो चलिए स्पीकर चेंज करके देखते हैं। लगता है ये स्पीकर खराब है, तो स्पीकर चेंज करके हमने एक दूसरा स्पीकर लगाया एंड दिस वर्क्स फाइन। ये आप सुन सकते हैं म्यूजिक बज रहा है, और अगर आप स्पीकर की तरफ देखें तो आपको स्पीकर भी हिलता हुआ नजर आएगा म्यूजिक के साथ। तो ये हो गया कंप्लीट हमारा म्यूजिकल बेल, और अभी इसको हम केसिंग में फिट करेंगे। तो पहले ये वायर को इस केसिंग से निकालते हैं। और ये स्विच को फिर से इसके साथ सोल्डरिंग कर देते हैं। और इस स्पीकर को यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे कुछ होल्स बना लेते हैं साउंड बाहर आने के लिए। स्पीकर को यहाँ पे ग्लू से चिपकाते हैं। बैटरी सेट हो गया। और ये कवर को भी हम हल्के से ग्लू से यहाँ पे चिपका लेंगे। और ये बन गया हमारा कॉलिंग बेल। देखिए दोस्तों कितना अच्छा म्यूजिक इसमें बज रहा है, आप सुन पा रहे होंगे। तो बनाइए, अपने घर में लगाइए और मजा लीजिए इस कॉलिंग बेल का। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप तो रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको बाकी वीडियोस के भी अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे दूसरे कोई प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।